कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आरिफ प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का पार्ट 5 मानव संसाधन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ। तो पहले हम इसमें महत्वपूर्ण भागों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण इसमें तथ्य क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है प्रति 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है, यानी कि हर 10 वर्ष बाद जो है जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.2 करोड़ है। पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में ही रहता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है। भारत में 69% लोग गांव में रहते हैं, केवल 31% लोग शहरों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का साक्षरता 74.04% है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है। वैकल्पिक प्रश्न में चलते हैं जरा। नंबर 1 है जनगणना नहीं होने का होने पर क्या होगा, तो ये क्या होगा, लोगों के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। नंबर 2 है आपका 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, इसका आशय है कि यानी कि लिंगानुपात कम है। अगला है नंबर 3 सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग है, तो वो है हमारे पास युवा वर्ग, सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है, धरना देना हो तोड़ फोड़ करनी हो सब में सबसे आगे रहता है। चलिए आगे चलते हैं। साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए क्या है, अच्छा है या नहीं है ये बताना है, तो ये अच्छा है यानी सभी पढ़े लिखे हों तो अच्छा है। नंबर 5 एक भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी संसाधनों का उपभोग करता है, तो 300 गुना उपभोग करता है। बच्चों ध्यान रखना, हम तो एक ही गुना करते हैं, वो 300 गुना कर जाता है। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आप जिस जिले में रहते हैं प्रत्येक उसका प्रत्येक गांव में प्रति 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितने खोलने होंगे। तो उत्तर है जिले की कुल जनसंख्या 11000 है, तो आबादी को भाग देने पर भागफल से जो प्राप्त संख्या होगी उतनी संख्या में केंद्र खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य में कृषक परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाना चाहती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर 5000 रुपए का खर्च होगा, अब सरकार कैसे तय करेगी कि कितने रुपयों की आवश्यकता है। तो उत्तर है जनगणना के अनुसार कृषक परिवार की संख्या ज्ञात करके। नंबर 3 है राज्य में वरिष्ठ नागरिकों यानी वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खोलना है, तो ऐसे कितने आश्रमों की जरूरत है यह कैसे पता करेंगे। उत्तर जनगणना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों वृद्धों की संख्या ज्ञात करके। प्रश्न है 2001 और 2011 के बीच कितने करोड़ लोग भारत की जनसंख्या में जुड़े हैं, तो उत्तर है ये 2001 में भारत में 102,87,00,000 लोग थे, 2011 की जनसंख्या जनगणना में 121 करोड़ और 2,00,000 थे, अतः 2001 और 2011 के बीच 18,33,00,000 लोग जुड़े हैं। प्रश्न है एक साल में हमारी आबादी कितनी बढ़ जाती है, तो उत्तर है भारत में हर साल 1 करोड़ के लगभग आबादी बढ़ जाती है। क्या आपको पता है कि किसी देश या राज्य की शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ना उसके विकास का सूचक है, कारण से चर्चा कीजिए। उत्तर है किसी देश या राज्य की शहरी आबादी बढ़ने का कारण बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध होना है, इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं जो विकास का सूचक है। किसी देश में अगर बालक वर्ग के लोग बहुत कम हो तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उत्तर है किसी देश में अगर बालक वर्ग के लोग बहुत कम हो तो उस देश पर सामान्य रूप से
इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। प्रश्न है, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? उत्तर, यह आयु वर्ग शारीरिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु के लोग बालक और वृद्ध आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है, अतः उस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितनी है? आप अपने जिले की साक्षरता की स्थिति का पता कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70% है। रायपुर जिले की साक्षरता 14,95,145 है। रायपुर जिले में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो इसमें हो जाएगा आपका 831,882। रायपुर जिले में महिला साक्षरता कितना है? 6,63,263 है। तो इस तरह से उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है, क्या छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर समान है? अगर ऐसा नहीं है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिलाओं का साक्षरता दर समान नहीं है। इसका कारण सामाजिक जागरूकता का अभाव, शिक्षा केंद्र स्कूल का अभाव, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी विषय। प्रश्न नंबर अगला है, अगर किसी देश में आय का स्तर अधिक हो मगर शिक्षा का स्तर कम हो तो क्या समस्या होगी? तो उत्तर है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। प्रश्न है, अगर किसी देश के शिक्षित लोग ऊंची आय के हो मगर स्वास्थ्य कमजोर हो तो क्या समस्या होगी? तो उत्तर, स्वास्थ्य सुधार की ओर ध्यान देना होगा। जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है, जनगणना से हमें निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। नंबर एक, लोगों की कुल संख्या। नंबर दो, महिलाओं और पुरुषों की संख्या। नंबर तीन, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। नंबर चार, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या। नंबर पांच है, ग्रामीण एवं नगरीय वितरण। अगला प्रश्न है, जनगणना के आंकड़े हमारे जीवन हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? तो उत्तर है, जनगणना के आंकड़े से किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं इसकी जानकारी मिलती है। प्रश्न है, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? तो उत्तर है, ये किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर अपराध बढ़ेगा। प्रश्न नंबर है चार आपका अगला, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है किंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 1914 है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर है, इसके कारण वहां की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया होगा, जिसके कारण वे कम जीवित रहे या फिर पैदा होने से पहले उनकी हत्या कर दी गई होगी। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? तो उत्तर है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर एक है, सामाजिक जागरूकता का अभाव। नंबर दो है, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता का होना। नंबर तीन है, गरीबी के कारण। नंबर चार है, नजदीक में शिक्षा केंद्र। नंबर पांच है, स्कूल का न होना। नजदीक में शिक्षा केंद्र और स्कूल का न होना इसके मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दीजिए। उत्तर है, इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण किसी क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगा है। नंबर दो, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या होने लगी है। नंबर तीन, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग यानी रोजगार की कमी होने लगी है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इस कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि यह है देश का आर्थिक विकास करके बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए
निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर एक, कृषि क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर दो, औद्योगिक ढांचे को उन्नत बनाकर देश की उत्पन्न क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर तीन, संचार साधनों और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात की सूची तैयार कीजिए। तो ये उत्तर है 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात की सूची। तो सबसे पहले आता है राज्यों का नाम और यहाँ लिंगानुपात है, तो सबसे पहले चलते हैं हम केरल। केरल का है 1084। नंबर दो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का है 955। नंबर तीन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है 991। नंबर चार छत्तीसगढ़, जो हमारा है, इसमें 991 है। पांच है हरियाणा। हरियाणा में 877 है। और नंबर छह है गुजरात। गुजरात में 912 है। और नंबर सात है राजस्थान। राजस्थान में 926 है। सही विकल्प चुनकर के लिखना है। तो नंबर एक है बढ़ती हुई आबादी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। नंबर दो, प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। चलिए नंबर तीन है, भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता है, कैसी है? तो ये है काम हमारे पास। नंबर चार अगला रहा, भारत में पहली जनगणना हुई थी, यानी कब हुई थी ये बताना है आपको, तो सन 1872 में हुई थी पहली जनगणना। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। नंबर एक, नंबर दो है हमारे देश में साक्षरता है कितने परसेंट है, तो 74% है। नंबर तीन, क्रियाशील वर्ग कौन है? युवा वर्ग है, ये है युवा वर्ग। और नंबर चार, विकास में बाधक है, तो जनसंख्या वृद्धि है बाधक, जनसंख्या वृद्धि। चलिए जनसंख्या या आबादी किसे कहते हैं, तो उत्तर देख लेते हैं। किसी क्षेत्र इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं, किसी देश या क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान के वर्षों तक लोगों की संख्या में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, किसी निश्चित भूभाग के क्षेत्रफल तथा उसमें बसे हुए लोगों के मूल्यों में जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्तमान समय में भारत की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है, तो ये उत्तर है बच्चों, वर्तमान समय में भारत की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष है। प्रश्न है सन 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, तो उत्तर है सन 2001 में साक्षरता दर लगभग 64.87% थी। नंबर आठ है प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे समझाइए, कोई चार कारण दीजिए। तो नंबर उत्तर है आपका, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम निम्नलिखित है। नंबर एक, खाद्यान्न समस्या, जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और विदेशों की खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। भारत में वैसे भी परंपरागत कृषि बहुतायत से की जाती है जिससे उत्पादन काफी कम होता है। नंबर दो, आवास व स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, आवास की भी और स्वास्थ्य की भी, यानी रहने के लिए घर चाहिए और बीमारी के लिए हॉस्पिटल चाहिए। तो परिवार के बड़े होने से उनके आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है, साथ ही अधिक बच्चों के कारण उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में अधिक मृत्यु दर का कारण बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाना ही है।
नंबर तीन है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ से भी अधिक है। नंबर चार है निम्न जीवन स्तर। परिवार में सदस्यों की संख्या यह सोचकर बढ़ाई जाती है कि सदस्य ज्यादा होने पर आय भी अधिक होगी, परंतु यह आय उतनी नहीं हो पाती है जिससे प्रत्येक सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सामर्थ्य हो। ऐसी स्थिति में परिवार को निम्न जीवन स्तर की स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना है। फिर चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बनाकर भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आप लोगों को। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।